कि हिंदुस्तान में लद्दाख नाम की एक जगह है? हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ कारगिल के, वी वेलकम यू कारगिल एंड सेकंडली कंग्रेचुलेशन फॉर द सक्सेसफुल भारत जोड़ो यात्रा. यू रियली डिड वेरी गुड जॉब सर. हमने आपको पीछे जब से आपने यात्रा स्टार्ट किया हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका चाहे आपका ट्विटर हो, आप कहीं भी हो, विल फॉलो यू सर. हम ये जानते हैं सर कि आप पावर में नहीं है अभी कांग्रेस, लेकिन आपका जो एक अच्छा रोल रहा है कि आप एक अपोजिशन का पार्टी का एक मेन अपोजिशन पार्टी हो. आपको बखूबी मालूम होगा सर कि हमारा जो MP है वो तो पार्लियामेंट में कुछ बोल तो नहीं रहा सर. ऑन द बिहाफ ऑफ अस वी डोंट नो सर्वाइव ही स्पीकिंग. हमारे जितने भी इश्यूज है उस पर हमारा MP साहब पार्लियामेंट में जाएंगे. मम हमारे दिए हुए मेमोरेंडम इतने पढ़ों के फाइल भर भर के हमने उसके पास मेमोरेंडम सबमिट किया था. यू नो इट्स जस्ट लाइक अ लव लेटर देना, बाकी कुछ होना नहीं है. हमने बहुत बार उनसे ये कोशिश किया था बात करने का. नो आई कम टू द पॉइंट. सेलेक्ट तो आपने किया ना? बस यही तो सबसे बड़ा. मैंने तो नहीं किया सर, यही तो सबसे बड़ा गुनाह हो गया सर. इलेक्ट तो आपने किया. हाँ सर, सबसे बड़ा गुनाह लगा रहे हो. हाँ सर, क्या सोचना था पहले? गलती से मिस्टेक हो गया सर. नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट हैपन. अगली बार मिस्टेक सर. नाउ कम टू द पॉइंट दैट सर, हम चाहते हैं कि हमारे करगिल की यूथ, जो लद्दाख की यूथ की तरफ से आप एटलीस्ट हमारी तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ अस ये एक बार इशू राइज करें. सर आपने कहा कि नेशनल लेवल पे ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का इशू है, नेशनल लेवल पे समथिंग एल्स सर. पिछले जब से हम इस स्टेट से अलग हो गए तब से हमने जो मुश्किल, आपको शायद डाटा मिल जाएगा कि लास्ट 2019-22 में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेशो सबसे आगे चला गया था हमारे लद्दाख का. मैं क्लियर कट कहता हूँ सर यहाँ पर, क्योंकि मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ. मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी सर, मैंने इसको काफी करीब से देखा है. एंड आई एम ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस. इसमें आपको बताते चलूँ सर, हम आपसे क्या चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी इश्यूज है, स्पेशली जो जब से हम चार साल में हमने जो मुश्किल जो हमारे इस यूथ ने फेस किया सर, जो हम अनएम्प्लॉयड यूथ ने फेस किया, शायद कोई भी पॉलिटिशियन और कोई भी गवर्नमेंट किसी ने फेस नहीं किया. हर किसी को उसका इंक्रीमेंट मिला, हर किसी को अपना अच्छा खासा सब कुछ उसको मिला है, सिवाय इन हमारे इन यूथ के और हमारे स्टूडेंट और हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ को सबसे हमने मुश्किल फेस की. उनकी तरफ से एक भी हमारे जो एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है SSC का. आई एम सॉरी सर, थोड़ा लंबा जा रहा हूं, उसके माफी चाहता हूं. हमारी जो SSC की तरफ से हमारे एडवर्टाइजमेंट होता सर एक साल पहले, अभी तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है. वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, सेकंड उनका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है. और यहाँ पर लद्दाख में भी DSSRB जो LSRB उनका एडवर्टाइज पोस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इन पे फिलअप नहीं हुआ है. अब मैं आपको ये फरियाद क्यों कर रहा हूँ, अब मेरी ये लास्ट में वर्ड कह रहा हूँ. हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से एटलीस्ट जब आप पार्लियामेंट में कुछ बोलने, जब हमारे तरफ इतना कह देना कि देयर इज अ प्लेस जिसको हम लद्दाख कहते हैं, वहां पर जो यूथ है इस तरह की मुश्किल फेस कर रहा है. और लास्ट पॉइंट, और एक चीज सर, आपने आप लेह में बैठे पेंगोंग ले गए, हमने आपका सारा फोटोज देखा, हर जगह देखा सर. अब एक चीज लास्ट वाले मेरे बात, आप देखना किस तरह से हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया है लेह और कारगिल को. आप देखो लेह में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, रोड देखो, फैसिलिटीज की सब कुछ वहां पर है. आपने वो सब की यहां देखा सर? आई डोंट थिंक आपने ये देखा होगा. कहीं ना कहीं हमें जब CA बन हमें हमेशा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट होता गया. जितने भी सेक्रेटरी के जितने सेक्रेटरी जितने जितने ऑफिस बड़े ऑफिस वो सर वहां बने, यहाँ इनका कुछ भी नहीं है. हम लास्ट है, हम चाहते हैं कि सर हमारे तरफ से जो पार्लियामेंट में आप भी जब भी बैठोगे इतना कह देना कि एक जगह. देखिए, थैंक यू सो मच. मैंने ये सबसे पहले आपको एक चीज तो समझनी है, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है और लद्दाख में भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलाते हैं, तो ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो हम आपके लिए आज क्या कर सकते हैं, जो आपने बोला पार्लियामेंट में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है उसको हम पार्लियामेंट में आपके लिए उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. और ये मैंने लद्दाख में हर रीजन में सवाल पूछा कि हम आपके लिए आपकी मुश्किल क्या है और हम आपकी मुश्किल को पार्लियामेंट में कैसे उठाएं. तो खुशी से मैं, जो आपकी यहाँ की लोकल इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यू है, खुशी से मैं पार्लियामेंट में उसको रेज कर सकता हूँ. मैं रेज कर सकता हूँ, हमारे दूसरे MPs भी रेज कर सकते हैं, तो पूरे देश का अटेंशन आपकी ओर आएगा और उनको भी पता लगेगा कि हिंदुस्तान में लद्दाख नाम की एक जगह है.